हाय दोस्तों, इस कोरोना की वजह से तो हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। फिर भी हम लोग तो पहले भी ऑनलाइन में पढ़ाई किए हैं और आपका ऑलरेडी 2 एग्जाम भी हो गया है। और बच्चों, अभी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया था हम लोगों के बीच में, और इतने दिनों के बाद हम फिर से आज वापस एक दूसरे के साथ मिले हैं। तो बच्चों, पहले तो हमें बहुत खुशी है कि इस कोरोना की मतलब लगभग नियंत्रण में आ गया है, तो अभी बहुत कम दिनों में हमारा स्कूल भी खुल जाएगा, तो हम उस टाइम पे डायरेक्टली पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम इस ऑनलाइन पे पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 3 बच्चों के लिए उनके हिंदी पुस्तक से एक पाठ मतलब बताने जा रही हूँ। आप तो ऑलरेडी इसके 5 पाठ पढ़ चुके हैं, और आज हम इसका जो पाठ 7 है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, पाठ 7 जो है वो एक कविता है, और तो फिर चले देखते हैं उस कविता किसके बारे में है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये रहा आपका पाठ 7 का विषय वस्तु, कोयल। तो इस नाम से आपको तो अभी समझ में आ गया होगा कि कोयल एक पक्षी है। इसका मतलब यहाँ इसी पक्षी जो कोयल है उसके बारे में कुछ दिया होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें तो ये मालूम है ना कि हर कोई पाठ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ शिक्षा मिलता है। तो बच्चों, ये कोयल की कविता पाठ करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आप कभी कोयल देखे हैं? मुझे लगता है आप सब देखे होंगे। लेकिन कोयल का रंग काला है, उसके साथ साथ हम और एक भी पक्षी को देखते हैं जिसका रंग है काला, वो है कौवा। कौवा रोज सुबह आके हमें जगाता है, पर कोयल हमें कभी एक स्वतंत्र समय पे दिखाई देता है, जो कि जब अभी जो टाइम चल रहा है बसंत ऋतु, जब आम के पेड़ में छोटे छोटे फूल आते हैं जिससे फिर आम के रूप में बदल जाता है, जो उसी समय पे कोयल आम की डाली पर बैठकर गाना गाती है। कोयल की आवाज़ भी आप सबको मालूम होगा, जैसे कि वो कूहू कूहू करके आवाज़ करती है। तो बच्चों, कौवा भी काला और कोयल भी काला, पर हमें कौवा अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका जो आवाज़ है वो बहुत ही कर्कश है, हमें सुनने को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो कोयल की आवाज़ है वो बहुत ही सुरीले है, रसीले है, और एक धुन जैसा लगता है, इसलिए हम सब कोयल को पसंद करते हैं। तो बच्चों, कवि ने इस कोयल कविता के माध्यम से हमें भी कुछ सीख दिया, जैसे कि हमें भी कोयल की तरह मीठा बोलना है। तो मीठा बोलने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, कोयल को क्या लाभ हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में इस कविता में दिया गया है। तो बच्चों, हम एक एक पंक्ति को पाठ करेंगे और उसका भावार्थ यानी कि उसका जो अर्थ कवि के जो बोलने का आशय है वो हम जानेंगे। पहला पंक्ति, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। तो बच्चों, पहले पंक्ति में कवि ने हमें ये बताया, देखो कोयल का रंग काला है हम सभी जानते हैं, पर इसका जो बोली है, इसका जो सुर है, जो आवाज़ है, वो बहुत ही मीठी है और सुरीले है। इसने ही तो, जैसे कि कवि को ये लगता है कि इस मीठी सुर की वजह से ही ये आम में रस भरा है, क्योंकि जब आम का फलना समय होता है तभी कोयल आकर आम की डाली पर बैठकर कुकू आवाज़ करती है। तो कभी को ये लगता है कि वही कुकू आवाज़ की वजह से ही आम में मिश्री जैसी मिठास भरी हुई है, जिसके वजह से आम हमें इतनी रसीली और मीठा लगता है। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो कवि ने यहाँ कोयल रानी को बुलाकर कुछ उनसे जानने की आज्ञा की है, जो आशय की है कि कोयल रानी, मुझे एक बात सच बताओ, तुम तो हमेशा दिखाई नहीं देते हो, बहुत दिनों के बाद इस वसंत ऋतु में इस आम के फलने के समय पर दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब आप जरूर कुछ संदेशा लेकर, जरूर कुछ समाचार, अच्छे समाचार, अच्छी खबर लेके आए हो। तो कोयल रानी, मुझे बताओ ना, क्या संदेशा आप लेकर आए हो, क्योंकि आप जो मीठी सुरीली आवाज़ से बोलते हो वो आवाज़ तो मुझे अच्छा लगता है, पर मैं आपकी भाषा समझ नहीं सकता हूँ। इसलिए कवि ने आशय किया कि मुझे ये बताओ कि आप क्या संदेशा लेकर आए हो।
क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो, आप जो ये मीठी आवाज करते हो कुकू का आवाज, उससे आप उस आवाज से आप कोई गाना गाते हो या फिर कोई संदेशा भेजते हो हमें या फिर किसी और को बुलाते हो। तो कवि ने यहाँ ये भावार्थ दिए हैं कि मुझे लगता है कि जैसे कोयल अपनी इस मीठी सुर से धरती का प्यास, मतलब बसंत ऋतु से पहले से बहुत दिनों से धरती में बारिश का पानी आया नहीं, तो कवि को यह लगता है कि कोयल रानी इस धरती की प्यास बुझाने के लिए बादलों से बारिश को बुलावा दे रहे, अपनी मीठी सुरीली आवाज से बारिश को बुलावा दे रहे। तो मुझे जरा ये बताओ कि आपकी आवाज सुनकर इस धरती में बारिश का पानी आएगा। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। तो कोयल रानी के अभी कभी ये पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनके जो मीठी थे से, हम लोग जब बच्चे थे तो हमें बोली कौन सिखाता है, खासतौर पे हमारे माता। तो यहाँ पे कवि ने कोयल से भी यही बात पूछे कि क्या तुम जो ये मीठी सुर से बोलते हो, तुम्हें क्या तुम्हारी माता ने ये सब सिखाया है, ये मीठी सुर, ये मीठी बोलना, ये मीठी गाना, क्या तुम अपनी माता से ये सब सीखे हो। सच मुझे बताओ कि या ये सब तुम्हें अपनी माँ से मिला है या अपनी कोशिशों से किए हो। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोली यह भी तुम्हें बताया है। जैसे कि माँ हमें हमें जैसे बोलते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, वैसे कोयल रानी क्या तुम्हें भी अपनी माँ ने ये सिखाया कि डाल डाल पर खुशी से उड़ना, नाचना, ये मीठी सुर से गाना गाना, या फिर ये अपनी मीठी बोली से सबके मन को भा लेना, ये सब तुम्हें अपनी माता ने सिखाया है ना। तो कवि ने यहाँ कोयल की अच्छी बोली, मीठी बोली के राज जाने की आशय किए है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। बहुत भली हो, तो कवि ने यहाँ पे कोयल की अच्छाई किए हैं जिसके लिए वो बोले कि तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे गुण संपन्न हो, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ की बात मानते हैं वो सबके प्यारे होते हैं। इसी प्रकार कोयल ने भी अपने माँ की बात माने हैं, हमेशा मीठी सुर से बोले हैं, मीठी आवाज से गाना गए हैं, कभी किसी को दुख नहीं दिए, दर्द नहीं दिए। तो इसी कारण ही कवि ने कोयल को बताया कि तुम बहुत ही अच्छे हो जो अपने माँ के बात को सदा अपने मन में रखते हो, और इसी कारण ही तुम अपने माँ के बात मानते हो, हमेशा मीठी सुर से गाना गाते हो, इसी कारण ही तुम्हें सब चिड़ियों की रानी कहते हैं, जबकि तुम्हारे समान रंग की कौवा को कोई पसंद नहीं करते, फिर भी तुम्हारे रंग काले होने पर भी तुम्हारे इस मीठी सुरीली आवाज़ की वजह से तुम्हें सारा संसार पसंद करता है और तुम्हारी आवाज़ सुनने को आशय करता है। तो बच्चों, इस कविता में तो हमें कोयल की अच्छाई के बारे में पता चला, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोयल अपनी माँ के बात को मानकर अपना व्यवहार, अपना भाषा हमेशा मधुर रखता है, तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में बाकी सबके साथ, संसार के लोगों के साथ अच्छे मधुर स्वर से बात करना चाहिए, मीठी बोली बोलना चाहिए, अपना व्यवहार मधुर करना चाहिए दूसरों की तरफ, ताकि हम भी समाज में सम्मान पा सके, क्योंकि बच्चे सम्मान उन्हीं को मिलता है जो दूसरों को सम्मान देते हैं, और सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा बोली, हमारा भाषा। तो बच्चों, हम ये कविता के जरिए कोयल की तरह मीठी बोली, मीठी व्यवहार दिखाने की संदेश पाते हैं। तो बच्चों, आप इस कविता को घर में अच्छे से पढ़ाई करो, अगर कोई भी आपको समस्या आए तो आप ये जो मैंने लिखी है इसको पढ़कर समझ सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो कॉल करके। तो बच्चों, ये है कविता का भावार्थ जो मैंने लिख दी है, और कुछ दो तीन शब्द मैंने यहाँ पे लिखे, बाकी शब्द का अर्थ आपके पुस्तक में है, आप इसको पढ़कर समझने की कोशिश करना। जैसे कि देखो, कुक कुक मतलब कोयल की बोलने की आवाज़, जो कुहू कुहू करता है, हम उड़िया में बोलते हैं वही। मिश्री मिश्री मतलब आप जानते हैं, भगवान के पास खास करके हम भोग लगाते हैं, छोटे छोटे जो मीठे होते हैं बहुत।
संदेश है, संदेश मतलब समाचार, खबर। धरती मतलब आप जानते हो हमारी माता, धरती माता। मेघों, मेघों मतलब बच्चों जिससे बारिश आता है, यानी कि बादल राजा। भली मतलब अच्छे, जैसे कि कोयल को कभी नहीं यहाँ पे भली कहे हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्लास, दूसरे क्लास में हम ज़्यादा इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।